दाल पकवान, तो ऐसे हो नहीं सकता ना कि आपने इस सिंधी क्यूजिन के बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट के बारे में नहीं सुना हो। वैसे ये स्ट्रीट फूड की तरह ज़्यादा पॉपुलर है, तो अगर आपने आज तक इसे सिर्फ बाहर से मंगवा के खाया है या तो आपने सिर्फ बाहर जाकर ही खाया है, तो इसे बनाइए आज घर पे। बनाना है आसान और स्वाद ऐसा कि आप इसे हमेशा ही घर में बनाना चाहेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी से थोड़ी सी हटके है, हमने इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है ताकि आप इसे आसानी से बना पाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करें हम दाल की तैयारी से। ये हमने ली हुई है मूंग की धुली हुई दाल, जिसे हम धो के पानी में भिगो के रखेंगे करीबन आधे घंटे तक। देखिए, पॉपुलरली दाल पकवान की दाल बनती है चने की दाल से, लेकिन बहुत सारे लोग इसे मूंग की दाल से भी बनाते हैं। स्वाद दोनों का ही बहुत अच्छा होता है और दोनों का बनाने का प्रोसेस भी सिमिलर ही होता है। हाँ, मूंग की दाल से ये ज़रा जल्दी बन जाती है और बड़ी आसानी से बन जाती है। और अब दाल भिगोने के बाद कर रहे हैं पकवान की तैयारी। ये बनता है सिर्फ और सिर्फ मैदे से। उसे ले रहे हैं एक बड़े से बाउल में। बाउल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसमें आटा गूंथ पाएं। तो सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें अजवाइन। ये डाइजेशन में एड करता है। अगर आप इसे क्रश करके डालेंगे ना, तो इसके फ्रेशनेस की बहुत ही अच्छी अरोमा आएगी आपके पकवान में। और अब डाल रहे हैं इसमें नमक, इसे डालेगा स्वाद के अनुसार। और अब डाल रहे हैं इसमें ऑयल। देखिए, ये रेगुलर ऑयल है और आप रेगुलरली जो भी ऑयल खाते हैं उसे डाल सकते हैं। तो ये ऑयल मैदे में डालना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट। इसके साथ जो आपका पकवान है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। पहले डाला है इसमें करीबन 3 टेबलस्पून ऑयल और उसके साथ हम आटा गूंद रहे हैं। इसमें आटा ऑयल के साथ तब तक गूंदना है जब तक कि आपको लगे कि वो बन सा रहा है, थोड़ा स्टिक सा हो रहा है। तो हमारा ऑयल कम लग रहा है इसलिए इसमें और डाल रहे हैं। तो हमने करीबन 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और ये देखिए, अगर आपको लगे कि ऐसे आपका आटा बन सा रहा है, मतलब इसमें इनफ ऑयल जा चुका है, तो बस इसमें और ऑयल नहीं डालेंगे और इसे आप पानी के साथ गूंदेंगे। और पानी को डालना है इंस्टॉलमेंट्स में और आटे को गूंदते जाना है। जैसे आप रोटी का आटा बांधते हैं बस वैसे ही करना है। लेकिन ये जो आटा होगा ये रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। तो देखेंगे तो हमारा आटा बिल्कुल बन सा चुका है, ये हो चुका है रेडी। और इसे गूंदने के लिए हमें लगा है करीबन 1/2 कप पानी। बस इसे गूंदने के बाद इसे ढक के रख देते हैं अलग से सेट होने के लिए। करीबन 15 से 20 मिनट रखना तो बनता ही है ताकि ये सेट हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसे रख देते हैं अलग से। चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो हमारी दाल को भिगोए हुए करीबन 1/2 घंटा हो चुका है। इसे डाल रहे हैं प्रेशर कुकर में और इसे आप बॉईल करेंगे, प्रेशर कुक करेंगे। और ये दाल जो होती है ना, ये बहुत थिक होती है, मतलब इसमें पानी बहुत नहीं डालना है। बस आपने 1 इंच तक ऊपर पानी डाल दिया, काफ़ी हो गया। तो ये पानी डाल दिया हमने, डाल दे रहे हैं नमक और डाल रहे हैं इसमें हल्दी। बस इसे मिक्स करके, इसे बंद करके इसे प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि इसमें 2 विसल्स नहीं आ जाते हैं। वैसे अगर आप मूंग की दाल एक ही विसल के साथ कुक करते हैं तो आपको एक ही विसल लगाना चाहिए। तो ये दाल हो चुकी है बॉयल और क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही है, इसमें पानी डाल दे रहे हैं। बस इसे मिक्स कर दे रहे हैं। वैसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दही के कंसिस्टेंसी की जैसी, जैसे बहुत ही थिक दही होती है ना, उसके जितनी थिक होनी चाहिए। इसलिए पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। बस इसे मिक्स करके इसे रख दिया है हमने गैस पे और इसे बॉयल आने देंगे। और अब दाल में 1 या 2 उबाल आने के बाद सबसे पहले डाल रहे हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इसके बाद गार्निश करेंगे कुछ बेसिक ड्राई स्पाइसेस के साथ। ये आप अगर कभी ठेले पर आपने दाल पकवान खाया तो आप देखेंगे वो कैसे स्प्रिंकल करता है लाल मिर्ची वगैरह, बस वैसे स्प्रिंकल करना है। तो सबसे पहले स्प्रिंकल कर रहे हैं इस पर
ड्राई कोरिएंडर पाउडर, ये है सूखा धनिया पाउडर। इसके बाद स्प्रिंकल कर रहे हैं इस पर लाल मिर्ची का पाउडर, और इसके साथ ही आपकी जो दाल है ना बहुत ही उभर के आएगी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। और इसके बाद स्प्रिंकल कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर। देखिए लाल मिर्ची और काली मिर्ची का पाउडर दोनों का ही अपना स्वाद है, आप किसी को भी स्किप मत करिएगा। और अब दाल पर स्प्रिंकल करने के बाद इसको लगाएंगे तड़का। उसके लिए एक कढ़ाई में लिया हुआ है ऑयल, ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा। सिर्फ जीरा ही डालते हैं, राई का इतना मज़ा नहीं आता है इस दाल में। तो बस जीरा डाल दिया हमने, और जीरा के चटकते इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन हमने लाल मिर्ची और काली मिर्ची ऑलरेडी डाली हुई है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो सकता है। बस इसको डाल दिया दाल पर, और ये दाल हमारी हो चुकी है बिल्कुल ही रेडी। तो बहुत सुंदर दिख रही है ना, चलिए बनाते हैं जल्दी से पकवान को इसे खाने के लिए। और पहले तो रख देना है एक कढ़ाई गैस के ऊपर, इसमें डाल दिया है ऑयल डीप फ्राई करने के लिए। पकवान को करेंगे इसमें डीप फ्राई, जब तक ये होता है गर्म चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो हमारे पकवान के आटे को रखे हुए हो चुके हैं करीबन 15 मिनट और ये सॉफ्ट हो चुका है। इसे और थोड़ा सा गूंदना है और इसकी निकालनी है और बनानी है छोटी सी लोइयां, मतलब छोटे से बॉल्स। देखिए जो पकवान होता है ना वो बहुत ही पतला बनाते हैं, तो आप उस हिसाब से बनाइएगा, आपको कितनी बड़ी चाहिए और आपकी कढ़ाई के हिसाब से भी बनाइएगा। अगर आपने बहुत ही बड़ा बेल दिया और आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप इसे फ्राई नहीं कर पाएंगे। और अब हर एक लोई को लेके पहले उसे डिप करना है ड्राई मैदे में, और फिर उसे रोल आउट करना है जैसे रोटी को रोल आउट करते हैं, बस वैसे ही करना है। लेकिन ये ज़रा रोटी से बहुत ज़्यादा पतला होता है। और अब पकवान को बेलने के बाद इसे पेयर्स कर रहे हैं एक फोर्क के साथ, मतलब होल्स बना रहे हैं। ऐसा करने से जो पकवान है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो ये हमारा पकवान हो चुका है रेडी फ्राई करने के लिए, लेकिन हम बाकी के सब पकवान ऐसे ही रेडी कर दे रहे हैं ताकि बाद में हम इनको एक के बाद एक फ्राई करते जाएं बहुत इजीली और आसानी के साथ। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपका पकवान गोली होना चाहिए। अगर आप बेलना नहीं जानते हैं तो आप ऐसा करिए, आप उसे जैसे बेल सकते हैं बेल दीजिए, और फिर किसी मोल्ड के साथ उसे काट दीजिए। ये हमारे पास है ये स्क्वायर इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम काट दे रहे हैं। वैसे अगर आप कोई कटोरी लेंगे या ग्लास लेंगे ना तो उसके साथ बहुत छोटा बनेगा, तो कोई बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करिएगा ताकि आपके पकवान ज़रा जल्दी बन जाएं। तो इसी तरह कर दे रहे हैं हमारे सारे पकवान की रेडीनेस, और चलिए अब करते हैं इनको डीप फ्राई। और फ्राइंग शुरू करने के पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो जो पकवान है बहुत ऑयली बनते हैं। तो हमारा देखिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, डाल रहे हैं पहला पकवान और इसे फ्राई करना है। इसे ऐसे हल्के से प्रेस करते जाइएगा और फिर इसे पलटा दीजिएगा, दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। और ये जो पूरी फ्राइंग है ये मीडियम टू लो आंच पर होना चाहिए, नहीं तो ये अंदर से ज़रा कच्चा रह सकता है या क्रिस्पी कम बनेगा। और ध्यान रहे कि इसे उल्टाना पलटाना पड़ेगा करीबन 2 से 3 बार, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा पकवान गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बस इसे निकाल दे रहे हैं। एक्सेस ऑयल ज़रा ड्रेन आउट कर दीजिएगा, चाहे तो आप इसे किसी होल्स वाली प्लेट में रख सकते हैं या पेपर पे रख सकते हैं। तो इसी तरह बना दे रहे हैं हमारे सब के सब पकवान। और हमने जो स्क्वायर शेप में पकवान बनाया उन्हें भी फ्राई कर दे रहे हैं। एक साथ दो दो जा सकते हैं, आप जितनी कढ़ाई में डाल सकते हैं उतना आपका जल्दी हो जाएगा। तो इसने भी गोल्डन ब्राउन करना है। इसके साथ ही हमारा दाल और पकवान हो चुका है रेडी। और इस दाल पकवान को हम सर्व कर रहे हैं चटनी के साथ और कटे हुए प्याज के साथ। वैसे कई लोग इसके साथ फरसान भी सर्व करते हैं क्योंकि इसको चाट की तरह खाया जाता है। तो ये लिया हमने एक पकवान, उसके ऊपर डाल दी हमने दाल, उसके ऊपर डाल दिया हमने प्याज और डाल दी चटनी, बन गई ना चाट। वैसे कई बार इसमें मीठी या इमली की चटनी का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ भी स्वाद बड़ा अच्छा आता है। तो ये बिल्कुल चाट की तरह हो गया है। आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वीकेंड छोले भटूरे बनाने के बजाय बनाइएगा दाल पकवान।
और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज और वीडियोस वक्त पे मिल जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।